जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिषेक सागा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2-3-4-5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं डराया धमकाने का, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो नहीं करना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों को रहते हैं गाँव, वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी है। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे ऐसे कराइए? हाँ नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है। तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरी जनता जानती, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी मेरा नाम उस समय खड्यंत्र में बाद में पढ़ाया गया था तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं उनके भाई की हत्या हुई थी, नाम तो उनका जिनका नहीं उनका नाम मालूम है जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसी में मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी, दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम खड्यंत्र के रूप में 120वीं के रूप में आया था। जी हाँ, 120वीं में मेरा नाम आया था। सरासर गलत है, वो बहुत बड़ा दुर्दान अपराधी है और वो किसी का भी नाम ले सकता है। उसने पिछले 2017 के चुनाव में मेरे खिलाफ जितना वो नुकसान कर सकता था उतना उसने किया था, और उसने बसपा के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी का खुल कर के साथ दिया था, और अंतिम समय तक उसने जब भागश्री चुनाव कैंपेन में अंतिम दिन चुनाव उसमें जुलूस में आई थी, रथ बनाया गया था, उसने पूरे क्षेत्र में भय पैदा करने के लिए मंदना से लेकर के बिल्हौर तक इसने उस रथ में बैठ करके और मेरे खिलाफ पूरा प्रचार किया था, और चुनाव के दिन पूरा चुनाव में इसके गांव के आसपास की पोलियों में इसने दहशत पैदा की थी और मेरा नुकसान किया था, और बसपा के प्रत्याशी के फेवर में इसने पूरा प्रयास किया था और मुझे नुकसान किया था इसने। मेरा कभी भी इससे कोई कभी इसकी मैंने सिफारिश नहीं की, और ये सब फर्जी है, सरासर गलत है। उत्तर कानपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी अधिकारी के द्वारा पूछा जाए कि मैंने किसी को भी अगर इसके फेवर में कभी भी इसकी सिफारिश की हो तो जितने कड़े से कड़ा सजा हो सकती है वो मुझको दी जाए, लेकिन फर्जी इस तरह से एक अपराधी अपने बचाने के लिए अगर वायरल करे या कुछ कहे किसी अधिकारी को, ये सरासर गलत है। आज तक मुझे नहीं मालूम था, अभी एक मीडिया के माध्यम से चैनल के माध्यम से मुझे मालूम हुआ, ना तो मुझे कभी एसटीएफ ने बताया और ना तो मुझे मेरे संज्ञान में था। वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से एक स्वस्थ अपराधी है, वो हर तरह की घटनाएं कर चुका है,
इसका इतिहास आप लोग जान रहे हो, वो अपने बचाव के लिए हम लोगों का बयान में नाम लेना, वो केवल कहीं ना कहीं एसटीएफ को दबाव और प्रभाव में लेने की उसकी एक कड़ी का एक अंग है। उसने वो नाम इसलिए भी लिए, हो सकता है इसलिए नाम लिया हो कि मेरा इनकाउंटर ना हो, इसलिए कि एसटीएफ के अधिकारियों को ये लगे कि विधायक जी के खास हैं इसलिए इसको बचा लिया जाए, कहीं कोई बड़ी इसकी जाँच ना हो जाए। ये तो देखिए अपराधियों के मन मस्तिष्क में क्या कब चल रहा है उसके हम जिम्मेदार थोड़ी ना हैं। हम तो इतना बार बार कह रहे हैं कि जो उसने अपराध किया है या पूर्व में जो अपराध किए हैं उस पर जो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी हमारी सरकार में, उसके लिए हम पूरा हर समय साथ में हैं।